अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब। वैसे तो मैं ब्लॉग निकालने का इरादा नहीं था, लेकिन यहाँ आने के बाद मैं सोचा चलो ठीक है, आए हैं तो कुछ ना कुछ तो निकालना चाहिए। तो मैं यहाँ पहुँच गया हूँ कस्बा ढाबा भिवंडी में। तो आगे चलते हैं, इन सब अंदर बैठे हुए हैं, तो इंशाल्लाह आगे चलते हैं, क्या खाते हैं, कैसी मस्ती करते हैं, क्या करते हैं, आपको इंशाल्लाह इसमें छोटे से ब्लॉग में आपको पता चलेगा। ज़रा भी मूड नहीं था मेरा ब्लॉग बनाने का, लेकिन फिर भी चलो मेरा बना देते हैं, तो चलो आ जाओ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा काम करेगा। चलो सेट हो गया, बैठ गए हुए। मेरा हफ्ता मैंने ऑर्डर दे दिया है, मेरा बच्चा आराम है, कस्टमर आराम से, और वो देखो पीछे पूरा चालू है। और वो हमारी तराना और देख सकते हो मेरी माँ को मस्त, उधर देखो उधर भी जो जो बैठे हुए, हाय करो रानेश भाई। अगर कुछ बोलना चाहेगा तू, तेरी खुशी जाहिर करना चाहेगा तू? कुछ तो अच्छा लग रहा है, माहौल भी अच्छा है, हस्बैंड के साथ आए, अभी हुक्का मंगाया हम लोगों ने। मौसम कितना प्यारा है, मौसम बहुत प्यारा है, मालूम है, बहुत अच्छा मौसम है। तो माशाल्लाह मतलब यहाँ पर रहना ना ज्यादा ना गर्म है और ना ज्यादा ठंडा है। क्या और ये लड़का जो है अंडा पाव खा के आया है रस्ते में, इसको इतनी भूख लगी। अरे मैंने पूरी नहीं खाया, दो मिनट मैगी, दो मिनट मैगी जो खाना डाला हाजी भाई सोच में क्या करूँ, मैं तो वीडियो बना रही हूँ, मुझे तो समझ ही नहीं रहा है। मैंने क्या क्या पता है, सुबह नाश्ता किया था और उसके बाद दोपहर में खाना खाया, दोपहर में खाना देखा, अभी तक तो कुछ नहीं खाया। आने के पहले वॉशरूम के आराम से बैठा और फिर मैं बोला अभी पेट भर के खाने का वहाँ पर जाके, तो इसलिए मैं एकदम मस्त आया। आते थे मैं खाली लस्सी पिया हूँ मैंने, और वो चीत का छोटा 5 रुपये पैकेट इतना सा चीत पाता आया, आते थे टाइम पास कर रहे थे। देख सकता हूँ मतलब काफी अच्छा लग रहा है, तुम्हारा पूरा कैमरा घुमा के दिखा। और ये यहाँ पर ऐसी चिल्ला पुकार मस्ती मच्छी बाजार होने वाली है, देख सकते हो आप लोग। आप लोगों को थोड़ा 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 करके मैं बताते जाऊँगा ताकि आप भी बोर नहीं हो, ताकि आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट रहे कि हाँ भाई लोग आए बैठे खाए और मस्ती केक काटे चले गए। तो यही आपको दिखाई देगा यहाँ पर, तो चलिए देखते अभी और क्या क्या आता है। तो जैसे कि आपको पता है दावे पे आने के साथ पहले होता है चना लहसुन पापड़, तो फिर हम लोग खा रहे हैं। अच्छा तो चालू है, लेते रहिए वीडियो, कुछ ना कुछ आते रहे, कुछ ना कुछ वीडियो लेते रहिए। खाते खाते
नीचे उक्का लाउड नहीं रहेगा, ऊपर उक्का लाउड है इसकी वजह से। तो चलिए हुक्का आ चुका है और हुक्का लहसुन और चना का कॉम्बिनेशन, वाह बहुत बेकार है। अलग अलग खाया करो, हुक्का अलग करो, खाना अलग खाया करो। तो चलिए मिलते हैं और ब्रेक के बाद, चलो। अरे हो तो जन्नत मेरे वीडियो निकाल रही है, तो देख सकते हो आप, मैं मस्त मस्त इंजॉय करो अपना खेला मस्त जबरदस्त एकदम। तो इसी तरह से लाइफ इंजॉय करते रहना चाहिए, क्या बोलती पब्लिक, एकदम सही बोला ना, एक नंबर। तो देख सकते हो आप लोग, तो उधर देखो, उधर मेरे को मत दिखाओ, उधर देखो स्टार्ट। तो माशाल्लाह उसमें से डिवाइड करके दिया जा रहा है, तो देख सकते हो आप, एक दो तीन चार पाँच छः सात 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 टाइप के स्टार्टर है ना अलग अलग, और राइस वगैरह भी ये सब है। तो चलिए टेस्ट करते हैं, मज़ा तो आने वाली खाने में, दिखने में इतना टेस्टी तो खाने में कितना टेस्टी होगा। तो चलो इंशाल्लाह खा लेते हैं। ब्लॉग क्या लगा, ब्लॉग ही देख लेना, ब्लॉग भी नहीं, ब्लॉग ही देख लेना। अच्छा तो मज़ा तो नहीं खाने में, तो ज़रूर आना यहाँ पर ट्राई करना, क्योंकि मेरे को तो अच्छा लगा, आप लोगों को अच्छा लगे नहीं लगे पता नहीं, लेकिन मेरे को तो अच्छा है इसका बिट्टी तो बहुत अच्छा है, एक्चुअली पूरा फिल्टर भी बहुत अच्छा है। शेर खान चल असली शेर तो तेरा मुंह है ना, डायरेक्ट मुंह उसके जबड़े में होता है। पापा शेर भी आगे देख लो यहाँ पे, जरूर ट्राई करना ये प्लेटर, तो यहाँ पर जरूर ट्राई करना आप लगे रहो। तो यहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ और वॉइस में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि गाना बज रहा है, बहुत सारी पॉलिसी है, तो इसकी वजह से मैंने सोचा चलो ये करते हुए कि ओवर वॉइस दे दूँ। तो मेरी जो बड़ी बहन है वो अपनी बेटी के लिए केक दिखा रही है, देखो तितली वाला केक है ये, और दिखा रही है देखो ये आरजू जो है वो भी बहुत खुश है बर्थडे का, क्योंकि जिसका ही बर्थडे होता है वो हमेशा खुश और बहुत ही खिलखिलाया हुआ रहता है, जैसे कि हमारी आरजू।
और ये देखो ये खाने का जो है जो खाना बच गया था काफ़ी हैवी था, मतलब इतना आया था कि मतलब बच गया तो उसका हमने पार्सल कर दिया ताकि हम घर पे आके खा चके सकें। और ये देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा केक और ये खांसी भी हो गई यार मेरे को बहुत। और देख सकते हो आप आरजू फोटो निकाल रही है केक का तो, और सब अपने अपने इंजॉयमेंट में लगे हुए थे, बहुत मस्ती मजाक चालू थी बाजू बाजू में, साउंड आवाज़ बहुत सारी थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक इसके वजह से ही बंद करना पड़ा मुझे। और देखो आरजू को, ये जो आरजू का मेकअप जो है वो कूँ नहीं किया, मेरी जो बहन है, ये जो बहन बैठी हुई उससे बड़ी वाली जो बहन थी उसकी बेटी है, वो बता रही है कि देखो मेकअप कैसा है और मेकअप कुकू ने क्या है, तराना करके उसका इंस्टा पर आईडी भी है, मैं उसको बताऊंगा आपको, बहुत अच्छी मेकअप है, आर्टिस्ट है वो, ब्राइडर साइडर क्या क्या होता है ना जो सबको मेकअप होता है वो करती है। और ये देखो मैं बैठा हुआ हूँ और ये है कुकू जो मेकअप की है। और अब देखो बहुत ही मज़ा आने वाली क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद मम्मी कुछ ये बोलेंगे और हम लोग बहुत हंसने वाले हैं। देखो अभी अभी तो कुछ नहीं, मम्मी खाली हाथ से दिखाएं, अब तमन्ना दिखाएगी यार जो अपने सब शूट्स वगैरह करने में लगी हुई, रील्स वगैरह निकालने में लगी हुई है। ये देखो लॉयन हैडी भी बोल सकते हो, और हिंदी कार्टून के जो हमारे प्यारे से मोटू और पतलू क्या वो भी है तमन्ना दिखाई, आरजू अजहर और मम्मी बैठे हुए। अब देखो मम्मी का, मम्मी अभी देखो ये देखो ऐसा लग रहा किसी को मारने की शायद, लेकिन मैंने हाई किया था और हम लोग सब हंसने लग गए उसी वक्त। और देखो मेरी तो हंसी रुक नहीं रही थी, मैं बहुत ज़्यादा हंसा क्योंकि बहुत ही मज़ा आई। मम्मी ने मतलब कैसा हाथ दिखाया ना, तो ऐसा लग रहा है कि नहीं कि किसी को मारने के मैं मारूँ क्या देखो ऐसा तो बहुत ही मज़ा आ गई। और अभी भी साउंड चालू ही है क्योंकि बहुत सारे पीछे सॉन्ग बज रहे थे। ये देखो आरजू अपनी जो है रील्स वगैरह निकाल रही है, आखिर में ये हुआ कि रील्स उसको जैसा चाहिए था वैसे नहीं हो रही थी, तो फिर मैं खुद ही अपनी जगह पर से उठा और मैंने उसको एक रील बना के दिया, पता नहीं उसको पसंद आई या नहीं आई क्योंकि इनके इन लोगों को वीडियो निकालने नहीं आ रहा था। तो बोलते ना कि अंधों में काणा राजा होता है, तो वैसे मैं ये सब अंधों में मैं काणा राजा था जिसको हल्का फुल्का रील निकालने आता है। और ये देखो बैठे थे, ये देखो इन लोग खा पी के एकदम फुल टल्ली होके बैठे हुए। और ये देखो ये फाइनली केक कट चुका है। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे बच्चा आरज़ू, हैप्पी बर्थडे टू यू, ऐसा करके हम लोगों ने सब में क्लैप वगैरह किए। अब उसने केक खा ली क्योंकि जिसका बर्थडे उसको केक खाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि सबको खिलाते रहे तो खाता नहीं है और ये देखो मेरी बहन की खिलखिलाहट अपनी बेटी को देख के, और हो गया करके ऐसा करके अब आरजू बोलेगी हाजी में मैं केक खिलाऊँ, मैंने हाँ सबको खिला बेटा, फिर उठेगी और सबको खिलाने लगेगी वो भी एक केक। देख सकते हो इसी तरह से फिर वो हम लोगों ने केक खाया और खाना खाया, फैमिली के साथ एंजॉय किया और थोड़े बहुत मस्ती मजाक भी किए। और उसके बाद हम लोग अपने घर घर पे रिटर्न आ गए, लेकिन अभी तो आगे बाकी है। ये जैसे ये मुझे केक खिलाई उसने और केक बहुत ही टेस्टी था, मेरे को बहुत अच्छा लगा केक। और मैंने ये बोल रहा था कि मतलब इसका बर्थडे ख़त्म हो चुका है, 12 बज गए, इसका बर्थडे ख़त्म हो गया, ये अभी बर्थडे गर्ल नहीं रही, ये नॉर्मल गर्ल रही, ऐसा बोल के मैंने थोड़ा हंसी मजाक किया और केक काट के दिया मैंने ताकि सबको खिला सकूँ। तो बस यही है अभी आगे का, आप देखते रहिए, इंशाल्लाह आगे भी बहुत मज़ा आने वाली है। तो आप लोग आगे का जो है थोड़ा आगे का ज़्यादा नहीं आगे, थोड़ा सा ही है, लेकिन आप लोगों को बहुत मज़ा आएगी क्योंकि हम लोग अपने बचपने का जो खेल है आप सबने भी किया होगा। मम्मी नहीं खा रहे थे क्योंकि वो पान खा रहे थे, तो उसकी वजह से मम्मी ने नहीं खाए, तो मैं बोला कि मम्मी डाइटिंग पे है तो ऐसा करके। और ये तमन्ना को खिला रही अपनी माँ को, हाँ हाँ ये देखा ऐसा करके उसने और इसी तरह से सबको केक खिलाई उसने और हम लोगों का ऊपर खाने का प्रोग्राम हुआ। फिर उसके बाद हम लोग नीचे उतरे और नीचे क्या हुआ आप अपनी आंखों से देख लो। तो ये देखो आप सब,
स्विंग, ये देखो इनको, क्या ये सबका अपना अपना बचपन याद आ गया। मम्मी ब्लॉग लो ना, ब्लॉग लो ना, तू ले ब्लॉग। ये देखो ये अम्मी ऐसे न्यूज पे पैर रखो ना, नहीं गिरोगे, मैंने भी किया था। हाँ अभी ऊपर नीचे ऊपर नीचे, बाजू बाजू, ये अच्छा भाई उस पर बैठो, मैं घुमाऊंगी तुमको। मैंने भी घूमी थी, देखो भी जाने का ऊपर। हाँ किधर ऊपर जाने का? तो स्लाइड पे इधर सब मजे कर रहे हैं, खाना भी ना हो गया, मिल कर रहे हैं। ए अम्मा तो चलो अभी चलो, अजर भाई रुको, स्टॉप चले, मैं ही रुका दे। ओ बहुत घुमा, हां क्या कर रहा है, ऐसा नहीं उल्टा घुमा रहा। अच्छा ठीक है, घुमा घुमा। बस मैंने इसको बस इसलिए बोला हूं क्योंकि बार बार मेरे को आके आप लोगों के सामने बोलना है कि चलो ये ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। और जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपने भाईजान को, भाईजान की फैमिली को और भाईजान के बच्चों को दुआ में याद रखना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।